रोशनी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम उसका देखभाल करेंगे जब तक उसकी माँ जेल से बाहर नहीं आ जाती। जिसको जो उखाड़ना होना वो उखाड़ ले, लेकिन रोशनी हमारे साथ हमारे पास रहेगी बस। पुष्पा जी, अदरक वाली स्पेशल चाय। कहां से आ गया? पुष्पा जी को बता देगा कि मैंने ही इसे कुटा है तो मेरी भी कुटाई हो जाएगी। भिखारी लगता है कोई। क्या चाहिए तुमको? चाय पीनी है? चूड़ियां चाहिए तुमको? आए हाय, प्लास्टर के अंदर लड़की तो नहीं हो ना तुम? एक काम करो, ये पैसे रखो और कुछ खा लो। अरे पुष्पा जी, आप रहने दीजिए, मैं इसे देखता हूँ। अरे बेटा, गलत जगह आ गए तुम। गलत जगह आ गए बेटा, तुम गलत जगह आ गए। क्या हुआ पुष्पा जी? हाँ, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ नहीं, वो पता नहीं एक अजीब भिखारी आया था, वो उसने थोड़ा परेशान करके रख दिया हमें। चीती, अंदर क्या चल रहा है? क्या चलेगा पुष्पा जी, वो जो छुटकी रोशनी है ना, 2 घंटा से रोए जा रही है। हाँ? हाँ, उसको चुप कराने के चक्कर में ना हाथी, घोड़ा, भालू, बंदर, लंगूर, चीता तो हम है ही है, शेर, सब कुछ बनकर दिखा दिया, फिर भी नहीं चुप हो रही है। सब लोग लगा हुआ है उसको चुप कराने के लिए। ओ चीता, क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? अरे मैडम वैसे ही परेशान है ऑलरेडी। अरे करिश्मा मैडम ने दूसरे का बच्चा अपने गोद ले लिया और मैडम परेशान हो गई। इनके दादी बनने का और इनके लल्ला का बाप बनने का सपना चकनाचूर हो गया, समझा क्या? अगर इनकी पोती होती ना तो ये चुप कराती। क्यों पुष्पा जी, कोई शक? नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं है। सबसे सुंदर बच्चा कौन है? रोशनी है। नहीं नहीं नहीं, क्यों रो रही है? छुपी नहीं हो रही, कितनी देर हो गई। नहीं 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 नहीं, नहीं रोते। डॉक्टर भी किसी काम का नहीं है, ये दवाई खिला दो, ये ड्रॉप डाल दो, ये चूरन चटवा दो, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो ना, 3 घंटे हो गए अभी तक चुप नहीं हुई है। बड़े आए बच्चा पालने वाले, खुद का बचपना तो गया नहीं है और बच्चा पालेंगे। बच्चा ऐसे पलता है क्या? बच्चा पलता है तजुर्बे से, अनुभव से, और इस मामले में हमारा तजुर्बा हसीना मैडम से ज्यादा और अनुभव हमारे DSP अनुभव से कहीं ज्यादा है। जीवन का अनुभव, ऐसे ही नहीं कहते कोई, घर में बच्चों के लिए दादी या नानी का होना बहुत जरूरी है। वैसे नानी का तो पता नहीं, मगर रोशनी की दादी तो है हम। नहीं, हमें दीजिए, हम देखते हैं क्या हुआ है उसे। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? दीजिए हमें। दे रहे हैं। पहले पहले ये नीचे दादी संभालिए। ओ रोशनी, क्या हुआ बाबू को? दादी आ गई है ना, सब संभाल लेगी। संतु, ये यहाँ पे लगा उसका गद्दा, एक काम ढंग से आता नहीं है, बच्चे संभालने। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे जगह बनाओ। क्या हुआ? अरे इसे तो दर्द है। क्या? गैस हो गई होगी ना, पर डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो हमने पिलाई थी। नहीं नहीं, अगर गैस हुई होती तो अब तक तो उसको आराम आ जाता। इसका डायपर बदले हुए कितना वक्त हो गया? हद करते हो तुम लोग, ऐसे पालेंगे बच्चा? ये देखो, ये है रोशनी की समस्या, बेचारी दर्द में तड़प रही है, बहुत देर तक डायपर ना बदलने की वजह से देखो लाल चकते आ गए उसको। अभी हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? सब लोग हमारे बैग में वो पाउडर और कॉटन है, दे दो जल्दी से। ला दो जल्दी दो चीते। पता है, ये सब हमने हमारे लल्ला के बच्चों के लिए संभाल के रखा था, मतलब हर एक चीज अपने हाथों से जमा के रखी है हमने। ये लो, ये लो। सिर्फ माँ कहलाने से कोई माँ नहीं बन जाता, माँ बनने के लिए माँ बनना भी पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा अगर आँख मल दे तो? तो उसके आँख में दर्द हो रहा है। नहीं, उसे नींद आ रही। कान नोचे तो? कान में खुजली? नहीं, उसे सर्दी लग रही है।
क्या बात कर रही है पुष्पा जी? और अगर रुक रुक के रोए तो शायद कंफ्यूज है कि रोऊं कि नहीं रोऊं। उसे भूख लगी है। हाँ, और अगर लगातार रोए तो? हाँ, इसका मतलब तो हमको पता है कि मतलब उसका डायपर बदलना है। नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, वैसे डायपर का भी कारण हो सकता है। और अगर जोर लगाए तो उसे पॉटी आने वाली है। लगा रही है क्या? रोशनी जोर लगा रही है। अरे हाँ? मतलब इसे पॉटी आने वाली है? पॉटी पॉटी दो दो ना, उसमें से दो ना, वन वाइफ पर दो पॉटी। अरे ये उसको जल्दी दो, आराम से आराम से आराम से। हाँ कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट रोशनी। इधर आजा इधर आजा। हाँ अब इसे लोरी गा के सुलाइए। माँ बनना है ना इसकी, तो गाइए लोरी। हाँ गाइए मैडम गाइए ना। नहीं हम कैसे गाएंगे, हमको आनी भी तो चाहिए ना लोरी वोरी, हमको नहीं आता है। कोशिश करके तो देखिए ना। अरे ममता में बहुत ताकत होती है, आपको भी लता मंगेशकर बना देंगी। गाली तो बहुत सुने हैं मैडम, अब लोरी भी गाकर सुना ही दीजिए। सुना दीजिए। करिश्मा जी, हम सोच रहे हैं कि अब हम रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। नहीं मतलब हम और रोशनी घर में आराम से रहेंगे, ऐश करेंगे। अब रोशनी यहाँ थाने में नहीं रहेगी, हमारे साथ घर पे रहेगी। का बात कर रही है पुष्पा जी? नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे मत बोलिए आप। रोशनी यहीं पर रहेगी, हमारे साथ रहेगी। रोशनी हमारी भी बच्ची तो है, ऐसे मत बोलिए। पुष्पा जी मैं तो छोटी बहन जैसी है, नहीं जाने दूंगी कहीं भी। संतोष जी सॉरी, संतोष जी टीवी ऑन करिए। अरे यार तुम्हारे घर पे का टीवी नहीं है का यार? यहाँ पर थाना में चले आते हो टीवी देखने के, और संतोष जी कहाँ टीवी ऑन करेगी? करिश्मा मैडम भी कर सकती नहीं। हम कर सकते हैं टीवी ऑन। मैडम देख रही ना, चंडालों का महाराज आ गया, कोई ना कोई मनहूस खबर लेकर आया होगा ही। हाँ बिल्कुल, तेरे चेहरे की तरह मनहूस। निशा अमृत जिस पर आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े होने का आरोप था, आज उस प्रकरण पर लगभग पूर्ण विराम लगे गया। कोर्ट ने निशा को उम्र कैद की सजा सुनाई है और पुलिस उनकी नवजात बच्ची को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। है कोई? जय हिंद सर। जय हिंद। सो बुलबुल पांडे इज बैक। भाई हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों से इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। अरे पिछली बार जो हुआ उसके बाद मैं काफी सुधर गया हूँ, काफी बदल गया हूँ, लेकिन अब सर अभी भी वही हूँ पहले वाला जाहिल। हम होते तो ऐसा ही लोग हमारे बारे में बोलते कि वही पहले वाला जहिलवा साथ आया है। बाकी आपके बारे में तो सब कोई जानता है। कितना होशियार बा, चालू बा। जय हिंद बुलबुल सर जी, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ आज यहाँ पे? जय हिंद करिश्मा मैडम, जय हिंद। अरे वाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। किसकी है? हमारी। अच्छा तो आप भी चलिए, क्या है कि हम इस बच्ची को ले जाने आए तो लगे हाथों चोर भी गिरफ्तार हो जाएगा, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, ये बच्ची जाती है हमारी कस्टडी में और आपको गिरफ्तार किया जाता है इस बच्ची को चुराने के इल्जाम। देखिए। हाँ पुष्पा जी मुझे पता है कि आप यही पूछेंगे कि क्या सबूत है, तो सबूत ये है हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज और पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें करिश्मा जी बच्चे के साथ में बाहर जाते हुए नजर आ रही है। हम तो देख चुके हैं, जिससे ये निर्विवाद रूप से साबित होता है कि बच्चे की चोर करिश्मा मैडम है। अरे भाई अरेस्ट करिए, वहां पे बच्चे की मां बेचारी तड़प रही है जेल में। हाँ
हमारे होते हुए हमारी रोशनी को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हाथ भी लगाया ना इस बच्ची को बुलबुल पांडे सर, तो तोड़ के रख देंगे तुमको, समझ गए? ए सर, हमरा दिल कहा था कि तू यहाँ सब खिसकला, काहे कि आज तहरा के राशि ठीक नहीं खे बा, ढेरे मार कुटाई के योग बा, अब बाकी तो तू खुदे होशियार बा। मैडम पुलिस हैं आप, और पुलिस के काम में रुकावट डालने का अंजाम तो आप लोग जानती होंगे। अरे एक दो दफा और लग जाएगी। लाइए बच्चा दे दीजिए। रुकिए, ये लीजिए पढ़िए इसे। उम्मीद करते हैं कि इसे पढ़ने के बाद कुछ और डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी। ये निशा अमृत का कंसेंट लेटर है, इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो अपनी मर्जी से अपना बच्चा SI करिश्मा सिंह को दे रही है। फिर कहते पुलिस बिना बात के टाइम और पेट्रोल बर्बाद करते हैं। अरे जब कंसेंट लेटर देना ही था तो हमें काहे भेज रहे हैं यहाँ पेट्रोल बर्बाद करने? करिश्मा मैडम, ड्यूटी इज ड्यूटी, चल। नहीं नहीं सर, थोड़ा बैठिए ना, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, थोड़ा गांव मोहल्ला का बात कीजिए, थोड़ा और बेइज्जती करा लीजिए, फिर निकलते हैं ना। मतलब सर, हम होते तो ऐसा ही लोग हमारे बारे में कहते, हम होते तो। लेकिन हम है ना, तुम नहीं हो। चला मैडम। सर आज आपका टाइमिंग गजब था। हम अच्छे से जानते थे कि जब बच्ची को लौटाने की बात आएगी आप तो मानेंगे नहीं, इसलिए हमने उसका एक तोड़ निकाला, निशा से कंसेंट लेटर ले लिया, ऐसे ही किसी दिन शायद काम आने के लिए। करिश्मा सिंह, आपने निशा अमृत की केस फाइल ठीक से पढ़ी? हमने पढ़ी, और हमें लगता है कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। पूरा का पूरा केस सिर्फ गवाहों के स्टेटमेंट पर खड़ा है। अब उसमें से कितने गवाह सच बोल रहे हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं, ये तो तफ्तीश का मुद्दा है ना। पर्सनली हमें लगता है कि निशा अमृत बेगुनाह है। आप तफ्तीश कीजिए। जी मैडम साहब। पुष्पा जी, आप रोशनी का ध्यान रखिए, हम ये जो गवाह है ना, इनका हाल चाल पूछ कर आते हैं। नहीं 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 रोशनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हम तुमसे वादा करते कि तुम्हारी मम्मी है ना, तुम वापस बहुत जल्दी वापस आएगी। और ये तो पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। होना नहीं, ठीक है पुष्पा जी चलते हैं। सुनिए, आज हम गर्व से कह सकते हैं, अब जब भी हमारे लल्ला के लल्ला की अम्मा बनेगी, दुनिया में सबसे अच्छी बनेगी। रहने दीजिए ना, जब भी ऐसा इमोशनल होती है ना तो आपका ये गोलगप्पे वाला चेहरा ना फूक जाता है। और चीते जैन मैडम सर, सॉरी, ये लीजिए, जल्दी खा लीजिए, क्योंकि ये भी हमारी तरह इंतजार नहीं कर सकता। तो प्रिय, ऐसा है कि हमारा ये जो प्रेम संबंध है, ये कोई किशोर अवस्था का आकर्षण तो है नहीं, कम इसी तरह प्रतिदिन मिलते रहे, टाइम पास करते रहे, क्योंकि आपकी भी विवाह की आयु हो गई है और हम भी विवाह की सीमा रेखा पर ही खड़े हैं। अगर आप कहती हैं तो हमारे विचार में हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर सही है तो फिर मिलाइए अपने मुंह बोले चाचा श्री महिपाल सिंह जी से, उनका आशीर्वाद लेते हैं और तुरंत विवाह कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी कहते तब भी हम हमें चाचा जी से मिलवाने ही वाले थे, कल हम उन्हें आपके बारे में बताएंगे।
एक बार चाचा जी से बात हो गई तो फिर वो कहेंगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप मिल लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, फिर निकाह का क्या, कभी भी कर लेंगे। क्या बात है हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आप कुछ अच्छे मूड में नहीं हैं, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। हाँ वो हम एक केस को लेके थोड़े से परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे सुलझाए। अरे वो तो आप चुटकी में सॉल्व कर देंगी, उम्मीद तो यही है। ठीक है फिर अब हम जाएं, प्लीज बहुत काम है। बिल्कुल, हमें बताइएगा आपके चाचा से कब मिलना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ मैडम सर। चुप। मैडम, जिसने गवाही दी थी ना निशा के खिलाफ वो पकड़ा गया है। भाई साहब सो रहे थे, हम उनको उठा कर लाए हैं अच्छे से। संजय नाम है उनका। मैडम मैंने जो देखा वही बोला। मैडम मैडम मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मैडम तुम बेकसूर हो, चुप रहो बिल्कुल, समझे तुम। मैडम सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर और उड़ी उड़ी धप्पा खेलेंगे ना इसके साथ, सब सच उगल देगा हमारे सामने। रोशनी को हम उसकी माँ से मिलवा कर रहेंगे मैडम से। ठीक है। देखो इस बच्ची को देखो, बस कुछ ही दिन की बच्ची है ये, अपनी माँ से अलग हो गई है, वो भी तुम्हारी झूठी गवाही की वजह से। एक दूध पीती बच्ची को अपनी माँ से अलग करने का जो पाप तुमने किया है ना, उसके लिए तो भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे माता जी, मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। वो लड़की देशद्रोही है, आतंकवादियों से मिली हुई है। ए बाबू ए, तुमको कैसे पता कि वो लड़की आतंकवादी लोग से मिली हुई है? हाँ? उसकी बातों से। मैं एक टैटू आर्टिस्ट, वो मेरे पास टैटू बनवाने आई थी, तभी मैंने उसे किसी से फोन पे ये सब कहते हुए सुना। क्या कहा था? यही कि उसने पुलिस को चकमा देने की पूरी तैयारी कर ली है और वो किसी भी तरह रिस्ट्रिक्टेड एरिया की फोटोज और वीडियो निकाल लेगी। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, तभी मैंने पुलिस को फोन करके ये सब बता दिया। अब आप ही बताइए, मैंने ये सब बता के क्या गलत किया, क्या झूठी गवाही दी, आप ही बताइए माता जी। ये क्या बार बार माता जी माता जी माता जी लगा रखा है? हम तो तुम्हारी छोटी बहन की उम्र के है भाई। नहीं 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 पुष्पा जी, इनकी छोटी बहन तो थोड़ा ज्यादा हो गया, ये 5 दिन पहले जो बेबी नहीं आया इसकी छोटी बहन की तरह लगती है। जुड़वा। अरे ये सब छोड़िए, हम मुझे ये बताइए आपकी मैडम मुझे उठा के क्यों लाई है, मेरा जुर्म क्या है? हमारी मैडम उठाती पहले और जुर्म बाद में सोचती है। ओह माय गॉड संतू जी, बाप रे। नहीं हमको ऐसा लगता था ना कि डायलॉग लिखना और बोलना बड़ा कलाकारी का काम है, ऐसे राइटर लोग बड़ा मुश्किल से सोच पाता है फिर लिखता है, लेकिन हाँ कितनी ज्यादा टैलेंटेड है आप, चलते फिरते डायलॉग बोल दे रही संतु जी। हाँ हो गया हा? नहीं हो गया, और करनी है बकैती। चलो मैडम, अरे सुनिए तो मैडम, अरे सुनिए तो मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद, बोलो। अरे मैडम क्यों लाई आप हमें थाने यहाँ, कोई झूठी गवाही नहीं दिए, वही बोला है जो मैंने देखा और सुना है। तो जो भी देखा और सुना ना एक सांस में बको, दोबारा बको क्या देखा और क्या सुना, फिर हम तय करेंगे कि तुम्हारा जो कहानी तुम हमको बताओगे इसके चित्रकारी में कितना झूठा रंग भरा है, समझ गए? बको आप। मैडम मैं अपने मामा जी की बेटे की शादी अटेंड करके भवानीपुर से लखनऊ वापिस आ रहा था, जिस ट्रेन में मैं बैठा था उसी ट्रेन में ये लड़की निशा अमृत भी सफर कर रही थी, ये किसी से फोन पर बात कर रही थी, मैंने साफ सुना था। जो भी साफ साफ सुना है ना हमें साफ साफ बताओ, बिना मिर्च मसाला लगाया अभी क्या भी। ये किसी से कह रही थी कि आने वाली 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इतना बड़ा धमाका जो आज तक ना कभी किसी ने देखा है ना कभी किसी ने सुना है, और ये खुद उसकी तैयारी के लिए निकल चुकी है। और क्या सुनना था मैडम, मैंने इसकी खबर फौरन पुलिस को दे दी थी। क्या गलत किया मैडम मैंने कानून की मदद करके, आप ही लोग तो कहते हैं ना कि एक जिम्मेदार नागरिक बनो। मैडम ये वही दूसरा गवाह है ना जिसने निशा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। झूठी गवाही दी है, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों की दोनों, झूठे हैं झूठे। तुमको मालूम है यहाँ पे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? नहीं मालूम ना, हम तुमको बताते कि हम सच कैसे उगलवाते हैं। चीते डंडा लाओ। अरे बाबू रुक जाओ। चीता चतुर्वेदी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह ये दोनों सच कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट सही है। नहीं मतलब निशा झूठ बोल रही है, वो अपराधी है, आपके कहने का मतलब ये है? नहीं हमारे कहने का वो मतलब नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन दोनों ने जो कहा वो सच है, उतना सच जितना इन्होंने देखा और सुना,
और इस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक तरफा केस बना दिया निशा के खिलाफ और उसे खड़ा कर दिया अदालत के सामने। ये सारी गलती उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है। कौन है ये महान इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर? क्या लगता है आपको कौन होगा? स्कीम मैया की सासू मैया, ये बुलबुल पांडे ना? जी हाँ, बुलबुल पांडे। ये सब कुछ उसी का किया करा है। उसने ना तो ठीक से छानबीन की और ना ही सच तक पहुंचने की कोशिश की। एक आधा अधूरा एक तरफा केस बना दिया और उसका नतीजा ये है कि आज एक बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया। ये बुलबुल पांडे को ना हम नहीं छोड़ेंगे। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करके ना इसने बहुत बड़ा गलती किया है।